अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैशनवर है और चैप्टर नंबर 11 के अंदर अब डिस्कस कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। प्रीवियसली हमने सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो डिस्कस किए, फिर उनके अंदर एबायोटिक फैक्टर्स भी डिस्कस किए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो कौन से फैक्टर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जिन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो बायोटिक जो है वो किसी भी इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं। ना ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, ट्रॉफिक बेसिस के ऊपर यानी नरिशमेंट की बेसिस के ऊपर हम इन्हें डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक वो होते हैं जो कि अपनी नरिशमेंट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स का। ठीक है, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग, यानी ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि रॉ मटेरियल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसको कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से कैप्चर करके सनलाइट, और फिर उससे जो है वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जबकि नरिशमेंट की बेसिस पे जो दूसरे हमारे पास हैं वो कहलाते हैं हीटरोट्रॉफ। हीटरोट्रॉफ जो है ये डिफरेंट नरिशिंग होते हैं, यानी ये किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, एल्जी आ जाते हैं, और हीटरोट्रॉफ्स के अंदर जो है वो एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, और ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हीटरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। नाउ अब आ जाती है दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन, फूड प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर और उसकी कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर, यानी किस तरह से प्रोड्यूस होती है और किस तरह से यूटिलाइज होती है। हम बायोटिक कंपोनेंट को फर्दर डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। एक वो हैं जो बनाने वाले हैं, एक वो हैं जो खाने वाले हैं, और एक वो हैं जो तोड़ने वाले हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं। वन बाय वन देख लेते हैं ना। पहले हमारे पास हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अगेन वही हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें मेनली प्लांट्स आ जाते हैं, इसके बाद कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, एंड देन एल्जी आ जाते हैं। ना दोनों तरह के इकोसिस्टम के अंदर ये पाए जाते हैं, एक्वाटिक के अंदर भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर भी। अच्छा, अब हमारे पास एक तरह के माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक मैक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो हैं जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते, और मैक्रोस्कोपिक वो हैं जो बड़े हैं। माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास एक पूरी कैटेगरी है जिन्हें हम नाम देते हैं प्लैंकटन्स का। ठीक है, प्लैंकटन्स। अब ये प्लैंकटन समझ लें एक कम्युनिटी है, इसके अंदर बैक्टीरिया, एल्जी और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलकर एक तरह की कम्युनिटी बनती है। अब इन प्लैंकटन्स के अंदर अगर फिलहाल हम प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हम लगा देते हैं फाइटो, यानी ये प्लांट लाइक हैं। ठीक है, फाइटो प्लैंकटन्स जो हैं ये प्लांट लाइक हैं, तो ये पानी के अंदर फ्लोट कर रही होती है कम्युनिटी, तो ये प्लांट लाइक हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं और इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी होती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, एल्जी आ जाते हैं और डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और ये मैक्रो हैं, मैक्रो के अंदर प्लांट्स आ जाएंगे जो कि एक्चुअल प्रॉपर प्लांट्स हैं, ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये दोनों मिलकर जो है ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के, यानी पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है, ज़मीन के ऊपर जो है वो हमारे पास मेनली प्लांट्स होते हैं। तो ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस में बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि कैप्चर की जाती है क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, और बनाया जाता है ग्लूकोज। तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये खाना अपने लिए भी बनाते हैं और फिर इन्हीं को जो है वो इस्तेमाल करते हैं फर्दर आने वाले जो कंज्यूमर्स हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये ग्लूकोज बनाते हैं बल्कि इसी ग्लूकोज को फिर ये कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी के प्रोटीन्स में और दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर। अच्छा, ऑटोट्रॉफ जो है वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यानी ये बता रहे हैं कि रेंज देखें तो छोटे से छोटा एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो सकता है और बड़े से बड़ा जो है वो 100 मीटर का टॉल रेडवुड ट्री हो सकता है। ना उसके बाद दूसरे लेवल पे आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ। कंज्यूमर्स जो है वो जाहिर है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। अच्छा, मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पे हम इनको कंज्यूमर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शरी। ना प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये उन्हें खाते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स बेसिकली रिलाई करते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, यानी हर्बीवोर्स के ऊपर, सॉरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब इसके अंदर कौन कौन आ जाता है? तो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर ग्रास खाएगा, ये प्लांट्स के अंदर आती है। लीफ हॉपर है, लीफ खाएगा, प्लांट्स के अंदर आती है। बड़े एनिमल्स के अंदर अगर देखें तो गोट है, शीप है, काव है, रैबिट है, माइस है, डेयर है, और आप में से कुछ लोग हैं जो कि वो हैं वेजिटेरियन है। तो ये तमाम एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, इन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल की बात हो गई। इसके बाद अब देखें प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स मैंने बताया ये कम्युनिटी है। अब इसके अंदर ज़ू प्लैंकटन्स भी होते हैं, वो थे हमारे पास फाइटोप्लैंकटन्स, वो प्लांट लाइक थे। अब ये हैं हमारे पास ज़ू प्लैंकटन्स जो एनिमल लाइक हैं। ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो ये ज़ू प्लैंकटन्स कहलाते हैं, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं।
थोड़े से बड़े अगर देखें तो क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा की फैमिली के अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा की क्लास है। और हर्बीवोर फिशेस वो हैं जो कि मछलियाँ हैं, लेकिन ये एनिमल प्लांट्स के ऊपर फीड करती हैं, तो ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें खाने वाला जो है वो कहला रहा था प्राइमरी कंज्यूमर, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो है ये कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये कार्निवोरस ही एनिमल्स हैं, सॉरी ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ऊपर वाले हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, इनको हम कार्निवोर एनिमल्स कहते हैं जो कि हर्बीवोर के ऊपर फीड करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनको खाने वाले को हमने प्राइमरी कंज्यूमर तो कहा था, लेकिन उन्हें हमने एक और नाम दिया, उन्हें हमने हर्बीवोर कहा। अब हर्बीवोर को खाने वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये कहलाते हैं कार्निवोर्स। अच्छा, अब कार्निवोर्स के अंदर या सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर कौन आ जाता है? तो उसमें फ्रॉग आ गया जो कि ग्रास हॉपर को खाएगा। ग्रास हॉपर जो था वो हर्बीवोर था या प्राइमरी कंज्यूमर था, उसको खाने वाला जो है फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, मछली जो है हमारे पास एक ऐसी मछली जो कार्निवोरस है जो कि हर्बीवोर फिश को खा रही है, तो ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ जाती है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कुछ ऐसे हैं जो ओमनीवोर्स हैं, यानी वो प्लांट्स भी खाते हैं, वो एनिमल्स भी खाते हैं। हमारी एग्जांपल अगर आप ले लें तो हम भी सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं जो कि ओमनीवोर्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। ना टर्शियरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा तरीकों से, हर किसी में नहीं होता, बट ज़्यादातर इको सिस्टम के अंदर कुछ शिकारी एनिमल्स होते हैं जो कि शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का। अब ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि टॉप के ऊपर आ जाते हैं, यानी इनको फिर फर्दर यूजुअली इन्हें कोई नहीं खाता। जब ये मरते हैं तो फिर इनकी डेड बॉडी जो है उन्हें डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो किसी ना किसी को खाते हैं लेकिन इनको कोई नहीं खाता। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले या प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो हैं फिर ये टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये जब मरते हैं तो फिर इनकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए। इनमें आ जाते हैं ईगल्स आ गए, ये टाइगर्स हैं या लायंस हैं, तो ये टॉप के ऊपर आते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर का शिकार करते हैं। ना डिकम्पोजर्स कौन है? डिकम्पोजर्स के अंदर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स वो एक टाइप की सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है, बट वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होता। अगर लिविंग हो जाए तो वो पैरासाइटिक एसोसिएशन होती है या फिर वो सिम्बियोटिक होती है, लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म से जब आप लेते हैं तो वो सेप्रोट्रॉफिक होती है। तो सेप्रोट्रॉफ्स वो हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें फंजाई आ जाते हैं और बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो चाहे प्रोड्यूसर मरे, चाहे कोई प्लांट मरे, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर मरे, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर मरे, चाहे टर्शियरी कंज्यूमर मरे, इन सब की बॉडी के ऊपर जो है वो ग्रो करने लगते हैं सेप्रोट्रॉफ्स या डिकम्पोजर्स। और वो करते क्या हैं, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो लिपिड्स हैं या जो न्यूक्लिक एसिड, उन्हें तोड़ते हैं और तोड़ते उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स अपने लिए रख लेते हैं, कुछ एनर्जी अपने लिए रख लेते हैं, और बाकी जो मटेरियल है वो सॉइल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता ये है कि जितने भी मटेरियल इन सब ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जमा किया था बॉडी में, वो ये ले के नहीं मरते। ठीक है, अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो वो मटेरियल इनमें ही रह जाएगा, और इस तरह से कुछ वक्त के बाद सारा का सारा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो बॉडीज के अंदर जमा होता रहेगा। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी से ये मटेरियल निकाल कर दोबारा सॉइल को दे देते हैं। उसी सॉइल के अंदर फिर प्लांट ग्रो करता है, तो वो मटेरियल उसमें चला जाता है, फिर प्लांट को दोबारा से कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, फिर उसे सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं रिसाइकलिंग के अंदर।